वीडियो में डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये लोड हो रहा है। तो ये आप देखिए, ये छोटे से पैनल पे हमने वीडियो चला दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इसमें इस कंट्रोलर का यूज करके आप P4 या P10 के ऊपर वीडियो भी चला सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं D16 हुडुई का जो कंट्रोलर आता है वीडियो वाल के लिए, जिसमें हम लोग यूज करते हैं, इस कंट्रोलर के बारे में जानने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि P3, या यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए P3 पैनल लिया है जो कि चांगली कंपनी का है। तो इसे मैं कनेक्ट करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ये जो D16 है, पहले ये D15 के नाम से आता था, अब इसे अपडेट करके D16 लाया गया है। D15 पुराने वेरिएंट जो भी कंपनियाँ बनाती थी पहले, उससे बंद करके ये D16 आपको अपडेट में मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको ये चार पोर्ट देखने को मिल रहे हैं जो आपके डायरेक्ट P10 डिस्प्ले में कनेक्ट होंगे। यहाँ पे ये जो है आपका एंटीना का पोर्ट है, ये आपका USB का है, ये ऐप का लेन पोर्ट है। आप इसे जो है USB के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेन पोर्ट के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इनबिल्ट वाईफाई है। पहले जो है इन वाईफाई का बड़ा वाला चिप लगाता था, अभी जो है यहाँ पे देखिए ये चिप जो है वाईफाई के लिए डेडिकेटेड चिप। तो और साथ में आपको यहाँ पे एक एंटीना का स्लॉट मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा फाइल होने के कारण विदाउट एंटीना में ये सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए आपको एक्सटर्नल एंटीना दिया जाता है ताकि आप इसे कनेक्ट करें और आप आराम से 1 GB 2 GB के भी फाइल इसमें सेंड कर सकते हैं। इस कार्ड के थ्रू डायरेक्ट आप वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। और इसके रेजोल्यूशन को जानने के लिए दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे और भी इसके पैरामीटर चेक कर सकते हैं क्या क्या है। फिलहाल इस वीडियो में मैं अभी इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि P3 पैनल से आप इसे कैसे कनेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस आप P10, P4 के लिए भी कर सकते हैं या P6 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एक टाइल को कनेक्ट कर लेता हूँ। इससे एक को मैं साइड रखता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब भी आप टाइल कनेक्ट करेंगे आपको इन आउट का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे ऑलमोस्ट सभी टाइल्स के ऊपर एरो का निशान दिया होता है, जिसमें नहीं दिया हो उसको आपको टेस्ट करना होगा, टेस्ट करके पता करना होगा कि इन आउट कौन सा है। ये जो एरो है, मतलब ये बोल रहा है ऊपर, मतलब टाइल ऐसे के ऐसे रहेगा। और ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इनपुट और ये आउटपुट। ठीक है, ये चांगली कंपनी का है, ये मॉडल नंबर Q3 है। और इसकी मैं LED की साइज की बात करूँ, ये P3 है। इसका पिच जो है, दो LED के बीच का गैप 3 mm है। और जो नंबर ऑफ LED मैट्रिक्स है, इसमें जो है आपको 64x64 के मिल रहे हैं। विड्थ में 64 है, हाइट में 64 है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग रेजुलेशन सेट करने होंगे अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो मैं इसे पावर और रिबन केबल से कनेक्ट कर दिया। अब जो है मैं इसे पावर केबल से कनेक्ट करूँगा। तो ये हमारा पावर केबल है। आपको हर एक टाइल्स के साथ जो है एक रिबन केबल और पावर केबल देखने को मिलते हैं, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे पावर केबल भी कनेक्ट कर दिया हूँ। तो मैं अभी जो हूँ दो टाइल कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा इनपुट है, तो अब जो है हम आउटपुट में लगाएंगे दूसरे टाइल को। तो मैं ये वाला टाइल को यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके आउटपुट को दूसरे वाले के इनपुट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट होने के बाद मैं जो हूँ फिर और दूसरे वाले भी टाइल्स को पावर प्रोवाइड कर देता हूँ, और उसके बाद जो है हम इसे पलट देते हैं। और जो है अब जो हम लोग इसके बाकी के कनेक्शन को देखेंगे। ये हमारा टाइल कनेक्ट हो गया है, हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोलर के कार्ड को पावर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर का कार्ड है, मैं इसे
पावर वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ। अब रही डेटा की बारी, तो मैं इसे स्पेस थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। ये तो हमारा चल जाएगा SMPS में, और ये रहा हमारा डेटा। ठीक है, हमारा डेटा ये है 70:1। जब आप बड़ा डिस्प्ले बनाएंगे तो आपको ये जो रिबन केबल है आपको ये खुद से बनाना होगा, क्योंकि जो है आपके टाइल के साथ जो है छोटे छोटे वायर आते हैं। अब जो है हम इसमें पावर डालेंगे। पावर डालने के लिए मैं 40 एम्पियर पावर सप्लाई हमारे पास है। तो पावर डालते समय आपको हमेशा कनेक्शन का ध्यान रखना है, कनेक्शन को देखते ही आप उसमें पावर डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें पावर डाल दिया हूँ। अब मेन लाइन ऑन करेंगे, तो यहाँ पे हमने मेन लाइन ऑन कर दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पैनल कार्ड के ऊपर पावर आ चुका है। ठीक है, अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जो डिस्प्ले है उसके ऊपर कुछ दिखे, और जो है हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू सेटिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए पहले से जो है कुछ कुछ आ रहे हैं, तो अभी जो हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू इसको सेटिंग करेंगे, और ये वाईफाई से हम कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये D16 नाम का वाईफाई आ रहा है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 8x8, 8 बार आपको 8 प्रेस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको LED आर्ट ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो हम सर्च करते हैं LED आर्ट, हमारे फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन में ऑलरेडी LED आर्ट ऐप है डाउनलोडेड। तो यहाँ पे हम एक न्यू डिस्प्ले बनाएंगे ऐड, और इसका रेजोल्यूशन है हमारा विड्थ में 64 है, दो टाइल 64x120, वही 64x2 128 हो गए हमारे विड्थ में, और हाइट में हमारे हैं 64। कार्ड हमारा है D16। ओके करते हैं। आपको कुछ डिस्प्ले इस टाइप का दिखेगा, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अगर आपको वीडियो अपलोड करने हैं तो यहाँ पे वीडियो वाले मोड में जाने हैं, इमेज अपलोड करने हैं इमेज वाले। तो मैं सबसे पहले टेस्टिंग के लिए कुछ टेक्स्ट लिखेंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इस पर टिकआउट करता हूँ। यहाँ पे ये जो है फॉन्ट ऑटोमेटिक ले लिया है, इफेक्ट कंटिन्यूस मूव लेफ्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉर्डर इनेबल कर रहा हूँ, और यहाँ भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और भी होंगे। फ़िलहाल मैं इसे नॉर्मली सेट करके भेज देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोग्रेस शो कर रहा है 100%। तो अब जो है ये आपको जो है इसकी टाइल की सेटिंग करनी होगी, क्योंकि हर एक टाइल का साइज अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारा ये टेक्स्ट नहीं चला, तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे जाना है, आपको डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर का सेटिंग आएगा आपको, और यहाँ पे 3x8 प्रेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो हब है ये 7512 वाला है, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल मॉड्यूल में सेट करता हूँ। यहाँ पे जो हमने चांगली का मॉड्यूल यूज किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा चांगली का है। ये रहा हमारा चांगली का मॉडल, मैं यूज कर रहा हूँ Q3। तो यहाँ पे Q3 खोजेंगे, यहाँ पे Q3 है, तो मैं इसको डाल करके देखता हूँ क्या होता है। अगर ये हमारा सब कुछ मैच करेगा तो ये सही टेक्स्ट चलना चाहिए, ये मैच नहीं किया है। तो अब जो है हम लोग दूसरा मॉड्यूल ट्राई करेंगे, यहाँ पे Q1 Q2 यहाँ पे एक और Q3 है, और यहाँ पे हमने P3 यूज किया है, तो ये P3 सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये भी हमारा सेट नहीं हुआ।
अगर इसके अंदर जो भी मॉड्यूल है वो अगर आपके सेट नहीं होते तो फिर आपको जो है हार्डवेयर सेटिंग में जाने होंगे और स्मार्ट स्कैनिंग करने होंगे। तो फिलहाल मैं इस पे ट्राई कर लेता हूँ। ये हमने शायद 30 नंबर ट्राई कर चुका हूँ मैं। तो ऐसे करके जो है आपको अलग अलग ट्राई करके देखने होंगे। बस एक बारी की बात है, आपका एक सेट हो गया तो फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं Q2 Q3 यहाँ पे ये यह हमारा P3 है, तो P3 में और जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सही आया है पहले के मुकाबले, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं हुआ है। तो हम इसमें फिर से जाएंगे, चांगली में, और अभी जो है हम लोग नीचे एक ऑप्शन देखे थे P3 वाला, और इस पे क्लिक करते हैं हम। ये देखिए ये हमारा पूरा परफेक्टली सेट हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप ये वीडियो वॉल की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको आईसी का नंबर मैच नहीं हुआ तो आपको यहाँ पे जाना होगा स्मार्ट सेटिंग में, और यहाँ पे आपको एक एक करके सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं वैसे आपको ये आएगा ऑप्शन, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम अभी नहीं करते हैं, बैक जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चला सकते हैं, इसमें जो है आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्स्ट चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो ले लेता हूँ, ये वीडियो चला करके देखता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये मैं भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोडिंग लिख रहा है, और ये वाईफाई काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वीडियो प्लेबैक हो गया है, डायरेक्ट आप फ़ोन का वीडियो आप डिस्प्ले के ऊपर चला पा रहे हैं। तो ये खासियत है D16, ये आप WF1 WF2 इन सब में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम दूसरा वीडियो चला करके फिर से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं गया वीडियोस में, और यहाँ पे मैं कुछ और वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ कुछ वीडियो जो है सपोर्टेड नहीं होंगे तो वो चलेंगे नहीं, जैसे ये हमारा वीडियो सपोर्टेड था नहीं तो ये ऑपरेट नहीं हुआ। तो ये वाला वीडियो मैं डाल के देखता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये लोड हो रहा है। ये आप देखिए ये छोटे से पैनल पे हमने वीडियो चला दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप इसमें स्टाइल्स इस कंट्रोलर का यूज करके आप P4 या P10 के ऊपर वीडियो भी चला सकते हैं।